बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ लेट्स डिस्कस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इन दिस पार्ट हम जो सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स या टू अननोन्स। आइडिया क्या होगा, की आइडिया कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होंगे। एक मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन एंड द अदर मेथड विल बी एलिमिनेशन। दोनों के अंदर हमारा की टास्क ये होगा कि हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, उन दोनों में से हमने सब्स्टिट्यूशन करके या एलिमिनेशन करके इक्वेशन को जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा हमने। और फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इटसेल्फ एक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। उसकी लिंक भी मैं दे देता हूँ या उसकी वीडियोस नीचे या ऊपर मैं डाल देता हूँ इसी सीरीज़ के अंदर, ताकि ये आपको मिल जाए कि लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल कैसे सॉल्व होती है। तो आप जैसे लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी या वाई की, और फिर एक वैल्यू मिल जाएगी तो दूसरी भी आप निकाल लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। और पहले हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। वन इज, लेट मी राइट डाउन, 2x प्लस 3y टू बी 7 एंड द अदर इक्वेशन इज 3x माइनस 4y टू बी 2। लेट मी लेबल दिस इक्वेशन, इनको मैं नाम दे देता हूँ। ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से x को आइसोलेट करेंगे या y को, x की वैल्यू निकालेंगे या y की, और एक इक्वेशन से निकाल कर दूसरी इक्वेशन में वो पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालता हूँ या y की निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से मैं, मेरे पास इक्वेशन 1 है क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो अब ये पूरा 2x का टर्म यहाँ प्लस का इस साइड से दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इनफॉर्मली स्पीकिंग, सॉरी 2x, और इसी तरीके से फिर ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड, सो इधर आकर ये डिवाइड कर लेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 2x होल डिवाइड बाय 3। ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी 3। अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, ये कौन सी इक्वेशन से निकाली है y की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 से। तो ये 1 से अगर निकाली है तो 1 में वापस नहीं पुट करनी, अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये जो y की वैल्यू है ये इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग आर पुटिंग द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट 3x माइनस 4। अब y की जगह हमने पुट करना है 7 माइनस 2x ओवर 3, और ये सारा जो है बराबर हो जाएगा 2 के। यहां पर जो है ना ये एक इक्वेशन आ गई है अब लीनियर एंड वन वेरिएबल, लीनियर एंड वन वेरिएबल। अब ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसका मेथड मैंने बेसिक अलजेब्रा का कोर्स बनाया हुआ है, वहां पर आप जाकर ये सीख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, एक तो ये तरीका है एलसीएम मेथड जिसको हम कहते हैं। जैसे इसके नीचे 1 है, इस टर्म के नीचे भी 1 है, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शन में 3 है, तो आप सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें,
इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इस टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इस टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये क्योंकि ये 1, 3, 1 इन तीनों की एलसीएम 3 थी, तो मैंने हर टर्म को 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 9x हो गया माइनस ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4, 7 माइनस 2x ये बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ से ये 9x माइनस 28 प्लस 8x टू बी 6, यहाँ पर आपका ये 17x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 28 के, 28 इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 17x बराबर हो जाएगा 34 के, x की वैल्यू आ जाएगी 34/17 जो कि है 2। देखिए यहाँ पर आप कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते थे, जैसे कि आप 3 की इन सारों की एलसीएम 3 आ रही है, तो इसको पहले इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरीके से 3। ये मैं दोबारा इसी सेम को दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ये 3, 3 और 1, तो 1 का टेबल 3 पर 3 टाइम्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा माइनस 4 × 7 माइनस 2x, ये पूरा बराबर है 2 के। तो अब ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप उसी जगह फिर आ जाएंगे जहां पर हम पहले थे, तो ये 6। अब इसी तरीके से फिर आगे यहां से आप x की वैल्यू 2 निकालेंगे जैसे ये निकाली है। अब जब x की वैल्यू आ जाए तो अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 3 इक्वेशन थी, 1 और 2 तो ओरिजिनल थी, 3 हमने जो 1 से निकाली थी इक्वेशन, आपकी मर्जी आप जिसमें पुट करें, 1 में पुट करें, 2 में, 3 में। तो लिहाजा मेरे पास इक्वेशन 3 जो है ना वो याद है मुझे, वो थी मेरे पास 7 y = 7 − 2x/3। तो मैं यहाँ पर x की जो वैल्यू अब मैंने 2 निकाली है ये इसमें पुट कर दूंगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन 3 जो हमने निकाली थी 1 से, तो ये y इक्वल टू 7 − 2 × 2/3, सो ये y इक्वल टू 7 − 4/3 व्हिच इज बेसिकली 3/3 व्हिच इज 1, सो y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, इलिमिनेशन से कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट आइडिया। इलिमिनेशन मेथड, उसमें आपके पास दोनों इक्वेशन है जैसे 2x प्लस 3y टू बी 7 और दूसरा है 3x माइनस 4y टू बी 2। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले तो जो x वेरिएबल ऊपर वाली इक्वेशन है नीचे उसकी ये x वेरिएबल वाला टर्म होना चाहिए, y वाला भी इसके नीचे जैसे ये सेटिंग में पड़ा हुआ है। अगर ऐसे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और y प्लस x इक्वल टू 9, तो पहले इसको सेट करके रखना है, इस तरह की इक्वेशन अगर है तो एलिमिनेशन से पहले इस तरीके से इसको x को इस साइड, मिसाल के तौर पर यहाँ 2x था तो ये 2x वाला टर्म पहले, y बाद में इक्वल टू 9, क्योंकि ये नीचे और ऊपर टर्म एक जैसे होने चाहिए वेरिएबल के हिसाब से। तो अब क्योंकि ये वेरिएबल के हिसाब से एक जैसे हैं तो इसका कोफिशेंट क्या है वेरिएबल का, 3 है, तो ये 3 इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 2 है, ये 2 नीचे वाली सारी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ये 3 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 × 2 = 6x और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9y और ये 3 × 7 = 21, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6x − 8y = 4। आइडिया ये है कि आपको ये जो कोफिशेंट है इसके बराबर करने हैं। अब अगर दोनों की साइन एक जैसी है तो पूरी इक्वेशन इसमें से ये वाली माइनस कर दें, अगर यहाँ पर साइन अपोजिट है यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर दें, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन के जो वेरिएबल जो जो सिंबल्स हैं ये जो साइंस हैं ये जो कोफिशेंट सेम वाला ये आ रहा है ये एक जैसे हैं, तो ऊपर वाली से नीचे वाली इक्वेशन माइनस करनी है, तो जब माइनस करेंगे तो ये नीचे वाले सारी साइन चेंज कर देनी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, ये फिर माइनस, क्योंकि यहाँ ये प्लस थी ऑलरेडी,
तो जब ये प्लस वाला है, ये माइनस का हो गया आप, तो ये कैंसिल, ये माइनस का 9y है, ये प्लस का हो गया 8, तो ये 17y इक्वल टू, ये 21 में से 4 माइनस हो जाएगा 17, तो यहाँ से डायरेक्टली y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, 17 नीचे डिवाइड करेंगे इसके। अब y की जब 1 आ गई, तो अब आपके पास दोनों इक्वेशन ओपन है, या 1 में या 2 में ये पुट कर ले y। फॉर एग्जाम्पल मैं पुट y इक्वल टू 1 एन इक्वेशन 1 में भी, तो ये 2x+3 की जगह यहाँ 1 इक्वल टू 7, तो ये 2x इक्वल टू 7 माइनस ये 3, और ये फिर 2x इक्वल टू 4, और फिर x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 जो कि हो जाएगा 2। तो फिर भी आपके पास वही सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, 2x की जगह 1 की जगह y। तो दोनों मेथड आपके पास ओपन है, जो आप मेथड करना चाहें कर सकते हैं। तो अगली वैल्यू वीडियो के अंदर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैं प्लॉट करने लगा हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कैसे करना है। सो स्टे ट्यून्ड।